नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। डीपीपी न्यूज से मैं मोहित कुमार करता हूँ रीडिंग की शुरुआत। आज हम आपको लेकर चलते हैं जिला बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में, जहां पर अम्बेडकर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। देश की आज़ादी से लेकर कानूनी संरचना को विकसित करने में उनकी भूमिका अहम थी, जिसका स्मरण लोग उनके जन्मदिन पर करते हैं। बता दें कि देश में जाति प्रथा जैसी कुव्यवस्था को हटाने के लिए बाबा साहेब ने तमाम आंदोलन किए थे। एक दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने बचपन में भी कई यातनाएं झेली थी, जिनका गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। पूरे विश्व में उनके मानवाधिकार आंदोलनों उनकी विविधता जानी जाती है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तरों और देश के बौद्ध विहारों में उनकी जयंती मनाई जाती है और उनके विचारों को स्मरण कर नमन किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व दूसरे गणमान्य लोग उनके योगदान को याद करते हैं, उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। नगीना क्षेत्र के ग्राम इस्लामाबाद में मिस्टर सुरेंद्र सिंह, मिस्टर सतीश कुमार, राहुल कुमार, नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, अवनीश कुमार आदि ने इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीपीपी न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।